तीन अत्यधिक शुभ योगों के बारे में बताएंगे। ये राजयोग की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी कुंडली में होंगे, व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, किसी भी क्षेत्र में जिसमें वह काम करता है किसी ना किसी एक क्षेत्र में व्यक्ति अपना नाम बना ले जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में नाम बन जाता है तो वहीं से उसका जीवन चेंज हो जाता है, पूरी चीजें बदल जाती हैं। नाम बन जाता है तो लोगों का विश्वास बनता है और आपका काम चलता है, काम चलेगा तो आपके पास धन आएगा, धन आएगा तो आप अपनी और जो है सुविधाओं को इम्प्रूव करेंगे, कार्य क्षेत्र में जो आप दे रहे हैं स्वयं भी सुखी होंगे। तो ये चामर पर्वत और पारिजात योग की एक इतनी बड़ी विशेषता बताऊंगा कि आप इसे कुंडली के किसी भी भाव पर लगा सकते हैं, मुख्य रूप से लगन पर, धन भाव पर, चतुर्थ भाव पर और दशम भाव में यह मिलेगा तो बहुत ही शुभ होता है, अत्यधिक सुंदर योग बनता है। सबसे पहले इसके प्रभाव के बारे में और व्याख्या में कर देता हूं। जातक भाग्यशाली होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे लोगों का साथ जीवन में मिलता है, जातक अपने विषय का जानकार होता है, प्रसिद्ध होता है, तेजस्वी होता है और ऐसा व्यक्ति एक आनंदित जीवन जीता है। सबसे पहले मैं आपको चामर योग के बारे में बता रहा हूं। यह चामर योग लग्न से शुरू करके प्रत्येक भाव के लिए आप आजमा सकते हैं। मुख्य रूप से मैं लग्न से बनने वाले चामर, धन चामर, सुख चामर और कर्म चामर को एक्सप्लेन करूंगा, शेष उसी प्रकार से हर जगह लगेगा। चामर योग बनेगा कब? आपको अपनी जन्म कुंडली का लग्न देखना है। लग्न पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो, किस चीज का प्रभाव हो? शुभ ग्रह यानी शुभ ग्रह चाहे लग्न में बैठा हो या दृष्टि डालता हो, शुभ ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र आ जाते हैं। तो अगर आपके लग्न पर चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र का प्रभाव हो तो शुभ ग्रह का प्रभाव माना गया। दूसरा क्या होना चाहिए कि लग्नेश उच्च राशि में हो, जो इस लग्न का स्वामी होगा वह लग्नेश उच्च राशि का हो करके या स्वराशि का हो करके केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, यानी लग्नेश इसी पहले घर में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, नवम में हो, पंचम में हो या नवम में हो, स्वराशि का हो। स्वराशि का तो होगा तो लगन में ही हो जाएगा या अपनी दूसरी राशि में होगा, या उच्च का हो, इन्हीं भावों में हो तो चामर योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का राज योग जब एक बार एक्टिवेट होगा तो पूरे जीवन भर चलेगा। अब ये तो लग्न चामर हो गया जो आपके लग्न के लिए राजयोग, मतलब ये राजयोग आपको धन ही नहीं देगा, प्रसिद्धि यश खूब देगा। लेकिन अगर यही योग द्वितीय भाव के लिए बने तो इसे हम धन चामर बोलेंगे। ऐसा व्यक्ति धनी बहुत अधिक होगा, समाज में नाम हो, बहुत ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, लोग सम्मान करते हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन धन उसके पास बहुत अधिक रहेगा धन चामर बनने पर। कैसे बनेगा? धन भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो, जैसे जो सूत्र यहाँ है वही सूत्र यहाँ भी होगा। धन भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो और धन भाव का स्वामी उच्च का हो करके या स्वराशि का हो करके, हमेशा इसमें दो चीजें चलेंगी, उच्च या स्वराशि का हो करके द्वितीय भाव से केंद्र या त्रिकोण में हो। जब लग्न का चामर बनाएंगे तो लग्न से केंद्र त्रिकोण लेंगे, जब धन का चामर बनाएंगे तो धन भाव से केंद्र या त्रिकोण लेंगे। यानी द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो गया, लेकिन इसमें एक सूत्र ये भी है कि भाव का स्वामी अस्तना हो, चाहे लग्न चामर में लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, दशमेश, अस्त नहीं होना चाहिए उच्च होने में। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो गया, द्वितीय भाव से केंद्र और त्रिकोण कौन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, यानी इस भाव में शुभ ग्रह हो 5, 6, 7, इस भाव में हो 8, 9, 10, ये तो केंद्र हो गए। फिर इसके बाद ये त्रिकोण हो गया पंचम, ये हो गया 7, 8, 9, नवम भाव यहां पर हो गया। तो पंचम या नवम में शुभ ग्रह हो, केंद्र में शुभ ग्रह हो तो यह योग बनेगा। सुख चामर कैसे बनेगा? सुख चामर अगर आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो,
ध्यान दीजिएगा, इसका असर जो लग्न चामर का है ये बहुत व्यापक है, ये आपको धन सुख साधन यश प्रसिद्धि सब कुछ देगा, लेकिन धन चामर सिर्फ धन के लिए अच्छा हुआ। अब ये जो चतुर्थ भाव का बनेगा, सुख चामर कहिए चाहे ऐश्वर्य चामर कहिए, तो चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए और चतुर्थ भाव से केंद्र में चतुर्थेश उच्च का हो, इस चौथे भाव का स्वामी यहां पर यहां पर यहां पर या यहां पर उच्च राशि में हो, या यहां पर उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, या यहां पर हो, क्योंकि यहां पर हमें केंद्र और त्रिकोण ही लेना है। कहां से लेना है? लगन से नहीं लेना है। जब धन चामर बनाएंगे तो धन भाव से केंद्र त्रिकोण, ऐश्वर्य चामर बनाएंगे तो चतुर्थ भाव से केंद्र या त्रिकोण। अब सबसे प्रबल योग बता रहा हूं जो आपके कर्म को महका देता है, यश कीर्ति फैल जाती है, यह बनेगा कर्म भाव के चामर से। दशम भाव में शुभ ग्रह हो, दशम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो और दशम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होकर के उच्च का हो। कहां से केंद्र त्रिकोण? दशम भाव से केंद्र और त्रिकोण का योग। दशम भाव में चंद्रमा बुध गुरु शुक्र में से कोई बैठा हो और दशमेश जो है या तो यही दशम में हो, लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, या फिर यहां से त्रिकोण में हो यानी द्वितीय भाव में हो, या फिर खष्टम भाव में हो उच्च का, या स्वराशि का अस्त ना हो, तो यह कर्म चामर जो होता है आपके कर्मों से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, आपके ढेर सारे अनुयायी होते हैं, आपके पीछे चलने वाले होते हैं, सपोर्ट देने वाले होते हैं, पब्लिक हो, आपके जो अपने लोग हैं, आपके साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। अब एक और विशेष बात, अगर यह जो चामर कर्म चामर आपने बनाया, अगर कर्म चामर किसी कुंडली में है और सप्तम भाव का जो वाणिज्य चामर है वो भी आ जाए, यानी दशम भाव में भी यह चीज बन जाए, सप्तम में भी बन जाए, तो पूछना ही क्या है, अरबोपति बना करके रख देगा। तो चामर का यह योग लग्न के लिए देखा जाता है, अन्य भावों के लिए आप लगा सकते हैं। जैसे तृतीय भाव के लिए लगाएंगे तो ये पराक्रम चामर बनेगा, पराक्रम बढ़ा देगा, सेना पुलिस में ले जाना या जहां पे पराक्रम की अत्यधिक जरूरत हो, तो ऐसे हर भाव के लिए लगा सकते हैं। बेसिकली इसका सबसे ज्यादा गुड यूज है लग्न के लिए, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के लिए इसका प्रयोग करके आप यह जान सकते हैं जीवन सुखी संपन्न रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं पर्वत योग की चर्चा करते हैं। पर्वत योग कब बनेगा? फल दीपिका के अनुसार यह सूत्र बनता है। आपको यह जानना है कि लग्नेश का राशिस यानी कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी। मैं अब यहाँ पे एक कुंडली ही बना दे रहा हूं, यहाँ लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, यहाँ पे लग्न में चार नंबर लिखा है, लग्नेश कौन हुआ, चंद्रमा किस राशि में बैठा है, मीन, ऐसे आप भी नोट कर लीजिएगा अपनी कुंडली से। लग्नेश जिस राशि में बैठा है, लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी उच्च का हो करके केंद्र या त्रिकोण में हो, उच्च या केंद्र में, उच्च का या स्वराशि का केंद्र या त्रिकोण में होगा तो बनेगा पर्वत योग। यहां पे चंद्रमा गुरु की राशि में है, गुरु कहां बैठा है, केंद्र में बैठा है, दशम भाव में, लग्न से ही केंद्र और त्रिकोण लेना है। केंद्र में तो गुरु महाराज बैठे हैं लेकिन एक नंबर मेष राशि पे है, उच्च के नहीं हुए हैं ना स्वराशि के हैं। तो आपका लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी केंद्र में उच्च का या स्वराशि का होकर के बैठे, अस्त ना हो, तो पर्वत योग बन गया। इसी प्रकार से अगर आप धन पर्वत निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? आपके धन भाव का स्वामी यहां पर जो भी केंद्र त्रिकोण लेंगे वो लगन से ही लेंगे, भाव से नहीं लेंगे। आपके द्वितीय भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है,
सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मंगल के घर में बैठे हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो धन पर्वत बनेगा, यानी ऐसा व्यक्ति अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार धन का पहाड़ खड़ा कर ले जाएगा। अगर उसके यहाँ पर महंगाई के हिसाब से ही धन योग बनता है, अगर कहीं पर महंगाई कम है तो वहां पर लाख रुपये पर्याप्त है और कहीं पर महंगाई अधिक है तो वही लाख का 2 लाख हो जाता है, ये भी प्रिडिक्शन करते समय जानना चाहिए। तो इसमें धन पर्वत बना हुआ है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, मेष राशि में बैठा और मेष राशि का स्वामी मंगल केंद्र में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। इसी प्रकार से आप जो है सुख पर्वत निकाल सकते हैं, कर्म पर्वत निकाल सकते हैं, जिस भाव के लिए यह योग अच्छा बनेगा उस भाव का फल अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर यह लगन से बनता है, कोई भी योग चाहे चामर लगन से बने, पर्वत लगन से, लगन मतलब तो सब कुछ है ना, लगन को सारे ग्रह फल देंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, इस कुंडली में अगर आपको ऐश्वर्य पर्वत निकालना है, चतुर्थ भाव से सुख या ऐश्वर्य पर्वत निकालते हैं, तो आप यहाँ पर क्या क्या देखेंगे ये आपको बताना है कि क्या इस कुंडली में ऐश्वर्य पर्वत बना है कि नहीं बना है, कमेंट करके लिखना है हाँ बना है नहीं बना है। आ जाते हैं पारिजात योग पर। पारिजात योग जो है इसी पर्वत का और बृहद रूप है। इसमें क्या होगा, पारिजात योग में लग्नेश जिस राशि में बैठा है, यानी लग्नेश का राशि जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस राशि में है उस राशि का स्वामी होना चाहिए उच्च का या स्वराशि का केंद्र और त्रिकोण में। जैसे लग्नेश कहाँ बैठा है, गुरु की राशि में, लग्नेश गुरु की राशि में बैठा है। अब यही गुरु अगर उच्च का या स्वाग्रही होके केंद्र त्रिकोण में होता तो पर्वत योग बन जाता। अब यहाँ पे लग्नेश गुरु की राशि में है, गुरु किसकी राशि में है, मंगल के, मंगल उच्च का होकर के केंद्र और त्रिकोण में होगा तो पारिजात योग बनेगा। ऐसे आप बताइए इस कुंडली में धन पारिजात बनाना है तो बनेगा कैसे, बनेगा धन पारिजात कैलकुलेट करिए। धन भाव का स्वामी किस राशि में है, मेष राशि में है। मेष राशि का स्वामी मंगल अब जिस राशि में है उस राशि का स्वामी यानी शनि को उच्च का होकर के या स्वराशि का होकर के केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए था, कहां से, लगन से, तब यह धन पारिजात भी बन जाता। तो इस प्रकार से कुछ पारिजात योगों के बारे में मैंने बताया। कर्म पारिजात ये योग अच्छे लगन से सबसे अच्छा है, द्वितीय भाव से बनेगा तो जीवन में धन की अधिकता, दसम भाव और सप्तम भाव में बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर लेता है। अगर पारिजात योग बन रहा है तो अपने आप उसमें पर्वत योग का प्रभाव शामिल ही हो जाता है, इसलिए पारिजात योग पर्वत योग का डबल पावर लेके बैठा है। लेकिन पर्वत योग भी बने तो कुछ कम नहीं है। इसी कुंडली में आपको प्रैक्टिस कर लेना है, देख करके अपनी कुंडली से भी देख लेना है, बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पर एक चीज और होता है पारिजात योग में, लग्नेश जिस राशि में है उस राशि का स्वामी या लग्नेश का जो नवमांश का स्वामी है, लग्नेश नवमांश कुंडली में जिस राशि में है अगर वह उच्च का हो करके केंद्र त्रिकोण में बैठे तो भी यह योग बनेगा। जैसे लग्नेश चंद्रमा है किसकी राशि में है, गुरु की राशि में होकर के बैठा हुआ है, तो अगर यह गुरु जो है नवमांश में जिस ग्रह की राशि में होगा, नवमांश कुंडली में गुरु जिस राशि में होगा उस राशि का स्वामी इस लगन में केंद्र या त्रिकोण में उच्च होकर बैठेगा तो भी यह योग बन जाता है। उम्मीद है ये चार योग से, ये है तो 3 लेकिन इससे आप बहुत ज्यादा सूत्र निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति के धन की स्थिति, सुख ऐश्वर्य की स्थिति जान सकते हैं।